जलवायु परिवर्तन के कारण सारी सीजन की बारिश कुछ ही दिनों में हो जाती है, यानी सही समय पर सही जगह बारिश की कमी रहती है। ये किसानों की सबसे बड़ी चिंता है। बारिश का पानी पहाड़ों पर गिरकर खेतों के ऊपर से बहकर चला जाता है। यही कारण है कि किसानों को सिंचाई के लिए ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पाता। ऐसे में सवाल उठता है कि बारिश के पानी को कैसे संरक्षित किया जाए ताकि किसानों को सिंचाई की समस्या से जूझना ना पड़े। इसी का जवाब है जल खेत तकनीक। क्या है ये तकनीक, कैसे पहुंच रहा है किसानों को फायदा, देखिए ये रिपोर्ट। प्रकृति और पर्यावरण अब अपना रूप बदल रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन है और जलवायु परिवर्तन को कैटल करने के लिए यानी उसको नियंत्रित करने के लिए जल है तो कल है, और कल अच्छा चाहते हैं तो आज ही हल निकालना पड़ेगा। और वो हल निकालने के लिए युवाओं की फौज ने एक नई तकनीक विकसित की है जिससे किसानों को रूबरू कराया जा रहा है, वो है जल खेत। जल खेत का कॉन्सेप्ट ये है कि अपने पूरे खेत के दायरे यानी क्षेत्रफल का 5% हिस्सा कुंड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जिससे बारिश हो या ना हो, समय पर बारिश ना भी हो तब भी इतना पानी तो ज़रूर इकट्ठा हो जाता है कि उससे आगे आने वाली 2-3 फसलें ली जा सकें, क्योंकि पानी एक साथ ही बरसता है, पूरा सीजन सूखा जाता है। तो ऐसे में हम दौसा क्षेत्र के इस गांव छरेड़ा में पहुंचे हैं जहां चारों ओर खेतों में जल खेत दिखाई पड़ते हैं। क्या है जल खेतों की असलियत, क्या है इसके पीछे का राज, आइए हम बाबूलाल जी से बात करते हैं जो स्वयं किसान हैं और उन्होंने अपने 17 बीघा के खेत में जल खेत बनाया है, यानी खेत में खेत जल खेत। जी सभी भाइयों को मेरा राम राम। मैं सबसे पहले अक्षवी टीम को, जिसके संचालक हैं विप्रो गोयल साहब, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मेरे गांव के अंदर सभी एक भूखमरी की कगार पर पहुँच गए थे और यहाँ से गांव छोड़कर जाने की स्थिति पे थे। उन युवाओं को इन्होंने एक नई दिशा देकर अपने कार्यक्रम से, एक अक्षवी टीम के माध्यम से, इन्होंने यहाँ पे एक नई ऊर्जा पैदा करके सभी खेतों में, खेत के 5% हिस्से में, खेत का पानी खेत के उपयोग में आए उसके लिए 5% खेत में कुंडे बनाकर और कुंडों को एक मॉडल तरीके से बनाकर हमको दिया है, उससे आज ये स्थिति है कि हम बाहर जाने की स्थिति में नहीं है। और सबसे बड़ी ये बात है कि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए यहीं पर अन्न और इनकम दोनों का स्रोत यहीं पे चालू कर दिया है, और इसको इनको इतने मॉडल तरीके से विकसित कर रहे हैं कि ये 7 बीघा पक्के में तार फिनिशिंग, कुंडे की तार फिनिशिंग, और इसमें आप देख सकते हैं मेरे पीछे जल का भराव भी आ गया है, एक ही पानी से इतना है कि एक फसल इससे हम ले सकते हैं। तो मेरा ये जानना है कि यहाँ किसानों ने बताया कि ये पूरा अरावली का क्षेत्र है जी। पहाड़ों में पानी बरसता है, वो पानी सीधा इधर से निकल जाता था जब तक कुंड नहीं थे, क्या ये सच्चाई है? ये सच्चाई है सर। हमारे यहाँ पपलाज माता का डूंगर है, पहाड़ जिसको बोला जाता है, उसके यहाँ होके ही पानी की, जिसको हम नाला बोलते हैं, उस नले से आगे अपने नदियों में निकल जाता था और वो हमारे कोई काम ही नहीं आता था, उससे हमारा जल स्तर भी नहीं बढ़ता था। आज स्थिति ये है सर कि हमारा पानी यहाँ रुक के हमारे खेतों के लिए उपयोग में आएगा, और ये एक ऐसा ड्राई जोन एरिया में इन्होंने जो काम विकसित किया है, ये जिससे हमारे खेतों में इनकम पैदावार बढ़ रही है दिनों दिन। ये तो पिछले साल आपने जल खेत बनाया, तो इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि रोजगार, खेती और जरूरत के लिए पानी, हो सकता है भविष्य में आपको पीने का पानी भी मिले, तो उसके अलावा और क्या क्या चीजें आपको लग रहा है कि इसका फायदा दिख जी रहा सर है? हम यानी कि एक प्रकृति प्रेमी, इनका भी होना था और हमारा भी होना था, ये सौभाग्य की बात है कि हम इनसे मिले और ये हमसे मिले, और इतने अच्छे आदमी से हम मिलके प्रकृति प्रेमी बन पाए कि आज हम यहाँ पशुओं के लिए और पक्षियों के लिए, विशेषकर जब यहाँ पानी ही नहीं था तो बेचारे मर रहे थे, तो एक तो प्रकृति के पशु पक्षियों के लिए पानी मिल गया और हमारे खेतों के लिए भूसा भी तैयार होगा, खेतों में अनाज भी तैयार होगा, तो उससे हमारे बैल, बलद, भैंस, बकरी सबका पालन हो रहा है। पूरी पंचायत को इसका फायदा मिल रहा है, पूरी पंचायत को इसका फायदा मिल रहा है सर। तो इसमें एक बारिश में कितना पानी इकट्ठा हो जाता है सर? इसमें एक बारिश में हमारे इस जल खेत के अंदर 4 फीट के लगभग पानी है आज, और ये 10 फीट गहरा है। हाँ जी सर, 10 से 11 फीट के लगभग गहरा है ये,
और 170-175 फीट लंबा है। मतलब पूरे चौमासे में उम्मीद है आपको कि ये पूरा भर जाएगा और आगे की 2-3 फसलें आपको आराम से मिलेंगी। सर, अगर नेक्स्ट ईयर इसमें बारिश भी नहीं होती है ना, तो हमारे खेतों में आपके यहाँ भूजल की क्या स्थिति है? सर, हमारे यहाँ भूजल की स्थिति है कि 780-790 फीट भी खुदवाएंगे ना, 900 फीट भी खुदवाएंगे तो पानी नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा तो ऐसा मिलेगा जो खेत के लिए उसका पीएच मान ज्यादा बढ़ा देगा, उसका तेलिया करके उसको खराब कर देता है जमीन। तो इधर क्या लोगों ने बोरवेल खुदवा रखे हैं? हमने सर, मैंने भी खुदवाया था यहीं पे 925 फीट, उसमें पानी नहीं हुआ। यानी किसानों की अपनी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का एक ही निदान है कि समय रहते इसमें किसान संज्ञान ले, समय रहते जागरूक हो जाए तो सही है, वरना ऐसा ना हो कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। यानी एक ही उपाय फिलहाल तो इस पूरे रेगिस्तानी इलाके में पानी को संजो कर रखने का एक ही उपाय है कि खेत में खेत बनाए। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावार के साथ संजय शर्मा, दौसा जरेड़ा। किसान तक खाना है तो उगाना है।